सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सिंगल फ्रूट पे चलते हैं जैसे कि या तो केला या फिर आम, पूरे दिन सिर्फ एक ही फ्रूट खाएंगे तो टॉयलेट तो बार बार आएगा, लेकिन वीकनेस क्यों आता है? ये क्या मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे। तो देखिए, सिंगल फ्रूट पे आपने देखा भगवान ने फ्रूट सब अलग अलग रंग के बनाए हैं, जी ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सबकी अलग अलग खूबियाँ हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फोर टाइप्स डज नॉट मीन एग्जैक्टली फोर टाइप्स। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक दिन सिर्फ आम खा रहे हैं, अगले दिन सिर्फ केला खा रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। जी और वीकनेस तभी आती है जब जितनी क्वांटिटी आपकी बॉडी को चाहिए उससे जब कम क्वांटिटी लेते हैं तो वीकनेस आएगी, क्योंकि हम आदित नहीं है फ्रूट्स खाने के, और इसमें टाइम कंज्यूम भी होता है। जितना क्वांटिटी मैं बताता हूँ DIP डाइट में, उतनी क्वांटिटी खाने के लिए कम से कम आधा घंटा पौना घंटा चाहिए होता है। और उतना तो आदत आदत नहीं, हम तो भाग भाग के ब्रेड का एक पीस टोस्ट लेके खाने वाले लोगों में से हैं ज़्यादातर लोग। तो उन जो कि 10 मिनट में वो खाना कंप्लीट करते हैं, उनके लिए आधा घंटा भारी पड़ जाता है। तो दे एंड अप ईटिंग लेस, वो 20 मिनट में खाते हैं का सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ खा लिया, जबकि उसमें तो 80-90% तो पानी ही है ना। तो आपने क्वांटिटी कम ली और या तो फाइबर है उसमें, राइट। तो इसीलिए आप वीक फील कर रहे हैं, इसीलिए मैंने फॉर्मूला बना के भी दिया कि कितनी क्वांटिटी में अप्रोप्रिएट होगा, ये मानते हुए कि आपकी सीडेंट्री लाइफ है। अगर तो आपकी एथलेटिक लाइफ है तो ये क्वांटिटी जो मैंने फॉर्मूले में बनाया वो भी कम है। और या फिर आपको अगर वीकनेस की फीलिंग आ रही है, अनयूजुअल वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब बॉडी आपको बता रहा है कि देखो भाई ये क्वांटिटी कम है, आपको बढ़ाओ। तो आप देखते हैं जब गायें हैं वो चबाती रहती है दिन भर, राइट। तो आपको वैसे ही गाय की तरह बन जाना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के खाना पड़ेगा क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी। आप बजट बना लीजिए कि 45 मिनट्स में ब्रेकफास्ट में लगना चाहिए, 45 मिनट्स लंच में, 45 मिनट डिनर में, इतना इन्वेस्टमेंट करना है टाइम का। जब इतना अगर आपने खाया लगातार तो लगभग लगभग उतना चला गया जितनी की एक्चुअली ज़रूरत है, फिर ये जो वीकनेस है ये नहीं आएगी। हाँ टॉयलेट कई बार आएगा तो जाइए टॉयलेट, कई बार अगर आता है तो टॉयलेट आना कोई ख़राब बात नहीं है। हाँ डिस्कम्फर्ट है, लेकिन क्योंकि हम इसमें ना पानी ज़्यादा पीते हैं एक्चुअली, जब आप खा रहे हैं ना ये वाला फूड तो एक्चुअली अब पानी भी इंटेक ज़्यादा हो रहा है इनडायरेक्टली। तो इंटेक ज़्यादा होगा तो वो बॉडी उसी स्पीड से बाहर निकालेगी। तो लेकिन वो ठीक है, हमें क्यों ऐसा लगना है कि दिन में 2 ही बार जाना है मुझे टॉयलेट में या 3 ही बार जाना है? वाई टू काउंट दिस, राइट। ये कौन डिसाइड करेगा कितनी बार जाना बिल्कुल ठीक होता है? ये तो आपका बॉडी डिसाइड करेगा, जी राइट। आपने खुद ही एक स्टैंडर्ड बना दिया, अगर मैं 2 बार से ज़्यादा टॉयलेट जा रहा हूँ तो वो ज़्यादा है। ज़्यादा का जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो किसी का कोई भी एक स्टैंडर्ड हो सकता है जो ज़्यादा या कम हो सकता है या उतना ही हो सकता है। जितना आपका बॉडी चाहता है उतना जाइए, उसको रोकिए मत। जी जब आप रोकते हैं तो वो स्टेगनेंट हो जाता है एंड देन दैट कैन लीड टू इन्फेक्शन एक्सेट्रा, हालांकि लॉन्ग टर्म तक, राइट। जी एक आध दिन में नहीं होगा। तो ये छोटी सी बात है सर।